हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू जेके स्मार्ट क्लासेस। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 4.1, जिसका नाम है डिटरमिनेंट, जो प्लस टू नॉन मेडिकल के लिए इम्पोर्टेंट है और जो डिप्लोमा कर रहे हैं इंजीनियरिंग का उनके लिए इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 3 हम डिस्कस करने जा रहे हैं एनसीईआरटी की बुक में से, तो ये डिप्लोमा वालों के लिए तो इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट ही है। इफ़ ए इज इक्वल टू, ये मैट्रिसेस दी हुई है 1, 2, 4, 2, देन शो डैट, अपने 2a का ये डिटर्मिनेंट का साइन है, भी ये डिटर्मिनेंट है a, इसका डिटर्मिनेंट, ये जो डंडे है ना इससे डिटर्मिनेंट शो करते हैं। 2a का डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 4a का डिटर्मिनेंट, तो कहते हैं ये इसके इक्वल होता है, बताओ आप। देखते हैं गिवन क्या है, हमें a दिया हुआ है 1, 2, 4, 2, हमने सबसे पहले 2a निकालना है, तो मैंने लिखा 2a। अब ये जो 2 है, ठीक है, तो ये मैंने आपको बताया था, जो ये 2 है इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा, इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा, इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा, इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा और इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा। तो जब 2 को 1 से करेंगे तो 2 आएगा, 2 को 2 से करेंगे तो 4 आएगा, 2 को 4 से करेंगे 8 आएगा, 2 को 2 से करेंगे तो 4 आएगा। तो सिंपल 2a ये हमारा जो है वो बन जाएगा। आगे है 2a का डिटर्मिनेंट, तो ये डिटर्मिनेंट अब कैसे निकालेंगे, तो डिटर्मिनेंट के लिए देखिए, मैंने जब मैट्रिसेस थी तो ऐसे लिखा, अब डिटर्मिनेंट है तो मैंने यहाँ पर साइन जो है सीधे कर दिए हैं, ठीक है। मैट्रिसेस जो है हम ऐसे ब्रैकेट में लिखते हैं, पर जो डिटर्मिनेंट जब निकालना है तो ऐसे लिखते हैं, इससे आपको पता चल जाता है कि डिटर्मिनेंट निकाल रहे हैं कि मैट्रिसेस निकाल रहे हैं, तो साइन का आपने ख्याल रखना है। तो आगे है हमारा इसको निकालना, इसको जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 4 का 8 आ जाएगा। जब हम इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 8 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 32 आएगा, आएगा क्या है प्लस का, पर हमने झूठ क्या बोलना है, हमने लिखना क्या है माइनस का, ठीक है। तो यही बात याद रखनी है, 32 प्लस का था, लिखना हमने माइनस का है। अब 32 में से 8 माइनस करेंगे तो हमारा आएगा 24, प्लस का आएगा कि माइनस का आएगा, 32 बड़ा कौन सा है 32, उसके साथ क्या है माइनस, तो माइनस का आपका आंसर जो है वो आएगा। आगे ये लेफ्ट हैंड साइड हमारी आ गई है, राइट हैंड साइड भी हमारी यही आनी चाहिए, तो देखते हैं हमारे पास ए है 1, 2, 4, 2। अब हमें उसने बोला है, उसने देखिए क्या बोला है, 4a का डिटर्मिनेंट, तो हमें सबसे पहले a निकालना पड़ेगा, फिर उसको 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा जो आंसर आएगा। तो मैंने करने जा रहा हूँ, a लिखा, a का मैं निकाल रहा हूँ डिटर्मिनेंट, जब मैंने a का डिटर्मिनेंट निकाला, 1 को 2 से किया 2 आ गया, 4 को 2 से किया तो 8 आ गया, 8 पर मेरा प्लस आया है, लिखना क्या है माइनस का, तो ये 8 में से 2 माइनस जाएगा तो 6 आएगा, माइनस का 8 है इसलिए माइनस 6 आ जाएगा। तो 4a का डिटर्मिनेंट, 4a का डिटर्मिनेंट था माइनस 6, इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो 24 आ जाएगा माइनस का, तो ये भी क्या था 24, ये भी क्या है 24, तो जो लेफ्ट हैंड साइड है वो इक्वल टू हो जाएगी राइट हैंड साइड के। तो जो हमारा 2a का मोड था वो किसके इक्वल आ जाएगा, 4a के मोड के इक्वल आ जाएगा। बस इतना इजी था, आपने सम जो है देख लिया होगा कैसे करते हैं और कितना इजी सम था। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगी तो लाइक कमेंट और शेयर जरूर कर दीजिए, ताकि मैं और आपके लिए इंटरेस्टिंग वैसे वीडियो बना सकूँ। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट, थैंक्स फॉर लिसनिंग, और व्हाट्सएप ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लीजिए, और इसका जो PDF है आपको jksmartclasses.com और pspdpaper.com पे आपको मिल जाएगा, वो मैं डिस्क्रिप्शन में लिख दूंगा, वहाँ से आप डाउनलोड भी कर सकते हो। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, बाय बाय, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।